हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स में। ट्रेडर्स, कल के लिए हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और दिन है सोमवार, तारीख है 22 अगस्त 2022 के लिए। 22 अगस्त के लिए हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ट्रेडर्स, मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ट्विटर हैंडल का है, उस पर आप ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए देखिए ट्रेडर्स, पीसीआर की वैल्यू अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में पीसीआर की वैल्यू एक से कम है। एक से कम नहीं है, बहुत ही कम है, 0.7। इसका मतलब ये होता है ट्रेडर्स कि अगर एक से जितना कम होता है ना, मार्केट्स के अंदर उतना ही गिरावट के संकेत है। और बात की जाए एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स सिंगापुर निफ्टी की, उसमें देखा जाए तो 0.8% तक का गिरावट है, करीबन 80 पॉइंट का गिरावट है। तो इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेडर्स में भी पॉसिबिलिटी है, 90% चांसेस है कि इंडियन मार्केट्स भी गिरेगा। तो क्या रह सकता है रेंज, उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट से जो इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडर्स, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, 40,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 40,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एज पर आवर हमारा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस कीजिएगा तो 40,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, और 39,500 पे एक माइनर सपोर्ट है। ठीक है, 39,500 पे माइनर, उतना भी अच्छा नहीं है, मगर एक सपोर्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो इसको कंसीडर कर सकते हो 39,500। मगर ट्रेडर्स, कल के लिए अगर हम आपको बता दूं कि कल अगर बैंक निफ्टी 38,860 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, 38,860 के लेवल को कल ब्रेक डाउन कर देता है तो आप बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को, सॉरी 38,860 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो आप 38,800 का पुट ऑप्शन, 38,700 का पुट ऑप्शन, 38,600 का पुट ऑप्शन, 38,500 का पुट ऑप्शन आप बाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी का जो रेंज रहने वाला है ट्रेडर्स, जब तक वो 40,000 के एवब सर्वाइव नहीं कर जाता, एक घंटा करीबन 15 से 20 मिनट अगर सर्वाइव करता है, करीबन एक घंटा 15 से 20 मिनट से लेकर एक घंटा अगर सर्वाइव कर जाता है 40,000 के एवब, तो समझ जाइएगा कि मार्केट्स के अंदर दर 40,000 के एवब 39,000 के एवब अगर सर्वाइव कर जाता है तो फिर समझिएगा कि 39,000 के एवब फिर से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 39,300 पॉइंट तक जा सकता है, 300 से लेकर 500। अगर 39,000 के ऊपर अगर एक घंटा सर्वाइव कर जाता है तो 39,300 से लेकर 500। अगर 39,000 के नीचे ही रहता है तो फिर आपको 38,500 और से लेकर 38,300 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। मगर मार्केट्स के अंदर गिरावट की संभावनाएँ ज़्यादा है, क्योंकि पीसीआर की वैल्यू 0.7, मतलब और भी गिरने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। गिरने वाले में देखिए, अभी ADRs की बात करें तो ADRs में टाटा मोटर के ADRs में करीबन 4% तक के गिरावट है। ठीक है, तो टाटा मोटर के पुट ऑप्शन को आप कल ध्यान में रखिएगा। आप लोग टाटा मोटर के पुट ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कल मार्केट्स के अंदर टाटा मोटर के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगा। बैक डाउन साइड में अगर टाटा मोटर डाउन साइड जाता है तो टाटा मोटर के साथ साथ आपको टाटा केमिकल को भी डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, टाटा केमिकल के साथ साथ आपको टाटा स्टील में भी डाउन साइड के देखने को मिलेगा। जो टाटा टाटा के सेक्टर में कल देख सकते हैं, आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अब टाटा सेक्टर की कंपनियां जैसे टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा केमिकल हो गया, इन सब स्टॉक्स को आप रख सकते हैं। साथ में ही ट्रेडर्स, आपको एक स्टॉक्स हमने आईआरसीटीसी का एक न्यूज निकल कर आया है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये आईआरसीटीसी में सरकार 100 करोड़ जुटाने की है डाटा बेचकर, जिसके कारण मार्केट्स में अभी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी के भी कॉल ऑप्शन में आप लोग ध्यान दे सकते हैं,
शॉर्ट टर्म के लिए अगर गिरावट होता है, मगर मुझे लगता है कि अच्छा खासा तेजी IRCTC के अंदर देखने को मिल सकता है। IRCTC के साथ ट्रेडर्स कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो आपको इंडिगो और PBR ये दोनों स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी PBRs के अंदर तो खासकर गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी मूवी आ रही है वो मूवी बायकॉट हो रही है बॉलीवुड की, तो यकीन मानिए कि PBRs के इनकम में इनकम इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आएंगे और इसके कारण इस स्टॉक्स के भाव गिरते हुए दिखने को मिलेंगे। तो PBRs को भी डाउनफॉल के तौर पे आप ले सकते हो। अभी हाल फिलहाल में 2-3 मूवी आई हैं, वो सारे बायकॉट पे है और बहुत कम लोग देखने जा रहे हैं, तो PBRs के शेयर भी डाउनफॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो PBRs इंडिगो केस बढ़ रहे हैं, जैसे कि आज के भी न्यूज हैं कि कानपुर में लॉकडाउन लगा चुका है, तो इस तरह से इसका मतलब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ट्रेडर्स कि आपको इंडिगो में भी गिरावट देखने को मिले, राइट। जैसे कि जुबिलियन फूड्स के स्टॉक्स को भी रखिएगा ऑप्शन सेगमेंट में, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर